जो सूचना प्राप्त हुई थी कि आज जो इसमें 7-5 अभियुक्त हैं, इनके द्वारा फिर से एकत्रित होकर योजना बनाई जा रही थी जिसमें कि ये व्यवसायी को लूटने का प्लान कर रहे थे, उसी में छापामारी दल के द्वारा इनको डोरंडा से गिरफ्तार किया गया। तो जब इनसे पूछताछ की गई तो पूछताछ के क्रम में इन्होंने उस घटना को स्वीकारा और इनकी निशानदेही पर इस घटना में प्रयोग किया गया 7.65 mm का पिस्टल तथा 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए। लूट का लगभग 19,000 रुपया इनके पास से बरामद हुआ है और घटना में प्रयुक्त एक पल्सर बाइक और एक स्कूटी डियो बरामद की गई है और इनकी निशानदेही पर इनके अन्य साथियों की गिरफ्तारी की गई है।